नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच वार पलटवार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। शनिवार को उन्होंने खड़गपुर में रैली की और अपने भाषण में पीएम मोदी ने बीजेपी को बंगाल की असली पार्टी बताया और कहा कि टीएमसी के राज में बंगाल में विकास नहीं हुआ, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। ममता ने कहा कि बीजेपी यहां आकर कहती है कि विकास नहीं हुआ तो दिल्ली का क्या हुआ, लड्डू हुआ। राजनीतिक भावे लड़ाई करो, सब मीटिंग ऐसे बने बंगाल में कुछ नहीं हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, लड्डू हुआ। बांग्ला में कन्याश्री है, बांग्ला में रूपश्री है, बांग्ला में सबुज साथी है, बांग्ला में समोपती है, बांग्ला में किसान बंधु है, बांग्ला में तपसिली बंधु है, बांग्ला में सब है। और आपका सरकार में क्या है, नोटबंदी है, नोटबंदी করেছে, बैंक গুলো বিক্রি করে দিচ্ছে, জিজ্ঞেস করুন बैंक গুলো বিক্রি করে দিচ্ছে কেন নরেন্দ্র মোদী জবাব দাও। রেল কর্মচারী আজকে দুঃখে আছে, আমি কিন্তু আপনাদের সাথে ছিলাম, আজ থাকবো, আমি একদিন রেলে কাজ করে এসেছি, একটা ভোট ওদের দেবেন না। রেল বিক্রি করতে ইচ্ছে কেন জিজ্ঞেস করুন, বিজেপি জবাব দাও, রেল বিক্রি কেন করছো বিজেপি জবাব দাও, ব্যাংক বিক্রি কেন করছো বিজেপি জবাব দাও। মানুষ যে টাকা রেখেছে হঠাৎ কাল বলবে ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেল, তুমি আর টাকা পাবে না, কোথায় যাবেন? সেই জন্যই তো দরকার যারা লড়াই করবে ওদের বিরুদ্ধে। লাইফ ইন্স্যুরেন্স 75% বিক্রি করে দিচ্ছে, এয়ার ইন্ডিয়া বিক্রি করে দিয়েছে, বিএসএনএল বিক্রি করে দিয়েছে, কোল ইন্ডিয়া বিক্রি করে দিচ্ছে, কবে দেখবেন হলদিয়া বন্দর বিক্রি করে দেবে। আর নিজের নামে স্টেডিয়াম বানাচ্ছে, নিজেকে ভাবে ভগবানের বাবা, নিজেকে ভাবে ভগবানের বাবা। কখনো নিজেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভাবে, কখনো বিবেকানন্দ ভাবে, কখনো গান্ধীজির উপরে ভাবে, কি যে ভাবে কে জানে। এরা বেশি দিন থাকলে আবুল তাবুল যা বকছে, আর পাগলে কিনা বলে আর ছাগলে কিনা খায়, বেশি দিন থাকলে এরা দেশটাকেও বিক্রি করে দেবে। আমরা কিন্তু বাংলাকে বিক্রি করতে দেব না, আমরা দেশটাকেও বিক্রি করতে দেব না, আজকে মনে রাখবেন। वहीं पीएम मोदी ने खड़गपुर में रैली कर जनता से 5 साल मांगे और कहा कि बंगाल में इस बार बीजेपी की सरकार। आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया, पिछले 70 साल में यही देखा है। मैं बंगाल वासियों के कहता हूं, आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया है, हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा करके रहेंगे। बंगाल के मेरे भाइयों बहनों, एक बार आशीर्वाद दीजिए, एक बार आशीर्वाद दीजिए, हम अपनी जान आपकी भलाई के लिए खपा देंगे। पीएम मोदी अपनी चुनावी सभाओं में तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। इसी तरह टीएमसी को तोलाबाज बताए जाने पर ममता ने पलटवार किया। मेदिनीपुर के खेजुरी में सीएम ममता ने चुनावी सभा को संबोधित किया और कहा कि अगर कोई आम आदमी 500 रुपए चुराए तो उसे तोलाबाज कहा जाता है, ऐसे में हम बीजेपी सरकार को क्या कहेंगे जिसने करोड़ों रुपए चुराए हैं, तोला बाजू का सामंती जमींदार। उन्होंने बीजेपी को तोला बाजू का जमींदार करार दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।